नागपुर में इस वर्ष का जागतिक पर्यटन दिन बहुत ही खास होने वाला है। पर्यटन संचालय ने इसके तहत हेरिटेज वॉक, विभिन्न चित्रों का लोकार्पण, पर्यटन स्थलों की चित्र स्पर्धा जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जीतने वालों को पारितोषिक भी दिए जाएंगे और इन कार्यक्रमों में नागपुर शहर के और राज्य के सभी बड़े मंत्री ऑनलाइन जुड़ेंगे। ऐसी जानकारी पर्यटन संचालय के उपनिदेशक प्रशांत सवई द्वारा दी गई। वैसे तो नागपुर में हर साल ही विश्व पर्यटन दिन मनाया जाता है, पर इस साल का विश्व पर्यटन दिन काफी खास है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व पर्यटन संस्था UNTO ने इस साल का घोष वाक्य टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रखा है। महाराष्ट्र का पर्यटन संचालनालय इसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें नागपुर शहर को भी चुना गया है। ऐसी जानकारी खुद डेप्यूटी डायरेक्टर प्रशांत सवई ने दी। विश्व पर्यटन दिन के खास मौके पर हेरिटेज वॉक, भिंति चित्रों का लोकार्पण, पर्यटन स्थलों की चित्र स्पर्धा, क्विज कंपटीशन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इस विषय पर व्याख्यान, साइकिल रैली, वृक्षारोपण, श्रमदान से बंधारा निर्मिति और ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रमों में जीतने वालों को पारितोषिक भी दिए जाएंगे और इन कार्यक्रमों में नागपुर शहर के और राज्य के सभी बड़े मंत्री ऑनलाइन जुड़ेंगे। युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनायझेशन या संस्थेमार्फत दरवर्षी जागतिक पर्यटन दिन हा 27 सप्टेंबर या दिवशी साजरा केला जातो। त्यानिमित्तानं जगभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं आणि दरवर्षी या निमित्ताने UNWTO एक घोषवाक्यसुद्धा जाहीर करते। यावर्षीचं घोषवाक्य जे आहे ते ग्रोथ टूरिझम फॉर इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ असं हे घोषवाक्य आहे। या घोषवाक्याच्या अनुषंगाने जगभरामध्ये विविध कार्यक्रम हे साजरे केले जातात। यामध्ये नागपूर पर्यटन संचालनाचं जे नागपूर कार्यालय आहे, उपसंचालक कार्यालय, यामार्फत आपण विविध कार्यक्रम यावर्षी घेतो आहे। या 27 सप्टेंबरच्या कार्यक्रमामध्ये आपण नागपूर शहरामध्ये हेरिटेज वॉकचं आयोजन केलेलं आहे, जे महाल परिसरातील जे मॉन्युमेंट्स आहेत प्राचीन, त्या मॉन्युमेंट्समध्ये आपण ह्या हेरिटेज वॉक कंडक्ट करतोय आणि या हेरिटेज वॉकमध्ये जे नागपूर शहरातील ट्रॅव्हल एजंट, टूर ऑपरेटर्स आहेत, हे उपस्थित राहणार आहेत। कोविड नियमांचे पालन करायचे आहे आणि गर्दीची मर्यादा लक्षात घेऊन आपण केवळ 20 लोकांना याच्यामध्ये सहभागी करून घेतलेलं आहे। यामध्ये श्री सहस्त्र भोजने आर्किटेक्ट आहेत आणि विदर्भ हेरिटेज सोसायटीचे जे अध्यक्ष आहेत, तर यांच्या माध्यमातून हा टूर आपण कंडक्ट करतोय। याच्यामध्ये माननीय जिल्हाधिकारी व माननीय विभागीय आयुक्त मॅडम यांनी सुद्धा या कार्यक्रमामध्ये। तो इन कार्यक्रमों के लिए हो जाओ तैयार और विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।